चलो सभी लोग हेडिंग डालो, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। राइट, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। देखो बच्चों, आयनिक क्रिस्टल जो हमने पढ़ा था, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल पढ़ा है, राइट, सारे क्रिस्टल को आपने देखा है कि कैटायन का पोजीशन क्या है, एनायन का पोजीशन क्या है। अगर किसी रीजन से इनके आयंस के पोजीशन कहीं पे भी चेंज हो जाते हैं तो उससे क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज आ जाएंगी, इन्हीं इरेगुलरिटीज को डिफेक्ट्स बोलते हैं। राइट, तो लिखो डिफेक्ट इन सॉलिड रिफर्स टू डिफेक्ट्स इन सॉलिड रिफर्स टू इरेगुलरिटी डिफेक्ट्स इन सॉलिड रिफर्स टू इरेगुलरिटी इन क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, इरेगुलरिटी इन क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। अंडरस्टूड? अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो बहुत सारे हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट को पढ़ना है, तो इसमें अगर आप टाइप्स देखोगे, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स देखोगे, पॉइंट डिफेक्ट, और यही हमें पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, किसी क्रिस्टल के अंदर जो लैटिस पॉइंट है उनमें अगर कोई इरेगुलरिटी आ जाए, राइट, तो उनको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। दूसरा क्या होता है, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब है क्रॉस एनी सिंगल लाइन इनसाइड द क्रिस्टल। जैसे मान लो आपने एजेस के अलोंग पूरा बहुत बड़े क्रिस्टल में अगर मैं देखने की कोशिश करूं, अलोंग वन लाइन अगर आयंस मिसप्लेस हो जाए, इधर उधर हो जाए, इरेगुलर हो जाए, तो ऐसे केस में उसको हम लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। और तीसरा कौन सा होता है, प्लेन डिफेक्ट। तो जब कभी भी इरेगुलरिटी किसके अलोंग आ जाए, अलोंग सर्टेन प्लेन ऑफ द सॉलिड, तो उसको हम प्लेन डिफेक्ट बोलते हैं। ये थोड़े ज्यादा हो जाएंगे तो इनको हमारे स्कोप से बाहर रखा गया है, सिर्फ यही है पॉइंट डिफेक्ट। ओके, लिखो पॉइंट डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स on lattice points, irregularity of constituent particles। अब भाई वो आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, सॉलिड तो जरूरी नहीं है ना कि आयनिक ही हो, कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली दिस अराइजेस ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑन लैटिस पॉइंट्स। ओके, अंडरस्टूड? अब आते हैं, देखो पॉइंट पॉइंट डिफेक्ट को समझते हैं कितने टाइप का होता है। तो बेटा देखो, आप ध्यान से समझना, पॉइंट डिफेक्ट ध्यान दो। तो मैं पहले क्रिस्टल एज्यूम करता हूं, राइट, कौन से, सो पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन आयोनिक क्रिस्टल। या फिर ऐसा बोल लो कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें एक ही टाइप के एटम मिलकर के बने हो। जैसे मैं बोल दूं कि भाई मैंने आयरन का क्रिस्टल ले लिया, वो भी तो एक सॉलिड है, उसमें सिर्फ आयरन है और कुछ है ही नहीं। सोडियम क्लोराइड ले लिया तो अलग कहानी, सिलिकॉन कार्बाइड ले लिया तो उसमें भी दो एटम आ गए, राइट। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं सिंगल टाइप, तो उसमें कितने तरह के डिफेक्ट आ सकते हैं, तो इसमें दो तरह के डिफेक्ट आते हैं। एक तो होता है वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा होता है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट।
अब वेकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपके पास ये सब जगहों पे एटम्स होने चाहिए, राइट, एज्यूम करो कि ऐसा लार्जर स्केल पे ऐसे एटम्स होने चाहिए, बट क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से एटम ही गायब हो गया, इसे कॉन्टैक्ट में बेटा ना, इसको कॉन्टैक्ट में कर लेना, एक पर्टिकुलर लोकेशन से एटम गायब ही हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल गायब ही हो गया, तो बताओ ये रेगुलरिटी डिस्टर्ब हो गई, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टर्ब हुई इसलिए पॉइंट के अंदर आएगा, और क्योंकि ये नॉन आयोनिक क्रिस्टल में है तो इसलिए इससे कोई स्टोइकियोमेट्री में चेंज तो आएगा नहीं भाई, सारे तो आयरन ही है ना, उसमें कोई NaCl तो है नहीं कि क्लोरीन निकल गया तो फॉर्मूला में डिस्टर्बेंस आएगा, यहाँ फॉर्मूला एज इट इज रहने वाला है, बट फिर चेंज क्या होगा, इनके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाएंगे। कितने लोग बोल रहे हैं सर डेंसिटी इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट विल डिक्रीज, लिखो ये बना के लिखना, वैकेंसी डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू रिमूवल ऑफ एटम फ्रॉम लैटिस पॉइंट, रिमूवल ऑफ एटम फ्रॉम लैटिस पॉइंट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। Understood? The density of the crystal decreases. अब ये interstitial defect क्या है बेटा? तो देखो ये कुछ ऐसा होता है। ये सारे particles ऐसे होने चाहिए। ये थोड़ा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा ना, मैं इसको एकदम प्रॉपर स्केल के अरेंजमेंट में ड्रॉ करने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ आएगी, राइट, मैं ट्राई करता हूं। पहले देख लो उसके बाद ड्रॉ करना, राइट, अभी मत करो। तो कुछ पता पड़ रहा है क्या हुआ यहाँ पे? बेसिकली हो क्या रहा था कि पहले अगर आइडियल क्रिस्टल होता तो वह ऐसे ऐसे अरेंज रहते, मैं स्क्वायर पैकिंग अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं। तो इसमें हुआ क्या, ये पर्टिकुलर आइटम ना इस वॉयड के अंदर ट्राई कर रहा है ट्रैप होने के लिए, तो जब वॉयड के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है तो जो रेगुलर उसका अरेंजमेंट था उसको इसने डिस्टर्ब कर दिया। तो अपना लैटिस पॉइंट छोड़ करके अगर कोई एटम वॉयड के अंदर जाने की कोशिश करे या चला जाए, ऐसे इरेगुलरिटी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। लिखो ये बात, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू dislocation of atom or ion from lattice point arises due to dislocation of
एटम और आयन फ्रॉम लैटिस पॉइंट टू, फ्रॉम लैटिस पॉइंट टू कहां पे, हां जी वॉइड, फ्रॉम लैटिस पॉइंट टू वॉइड, अंडरस्टूड। तो अगर लैटिस पॉइंट से हट के वॉइड में जाएगा तो क्या ओवरऑल डेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा बेटा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि एटम्स के नंबर चेंज नहीं हुए। हाँ, अगर कोई फॉरेन एटम आकर के इन वॉइड्स के अंदर छोटा एटम आकर के बैठना शुरू कर दिया तो भले डेंसिटी बढ़ सकता है, बट अगर आइडेंटिकल शेप एंड साइज की चीजें होंगी तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये मैंने किसमें बताया? नॉन आयोनिक क्रिस्टल में। अब आते हैं आयोनिक क्रिस्टल, या फिर ऐसे क्रिस्टल जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम कंबाइन किए हुए, राइट? लिखिए, मिटा दो, चलो अच्छा कर लो। ध्यान रखना, मेरा हो सकता है यहाँ पे वैकेंसी दिख रहा हो, बट आप थोड़ा कोशिश करना कि वो वॉयड में जाए और नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इंटैक्ट रहे, जितने पहले थे उतने ही है। वैसे मैंने थियरी में लिखवा दिया है तो वो इम्पोर्टेंट है। नोट इट डाउन एवरीवन, अब ब्रेन डालिए, पॉइंट डिफेक्ट इन आयोनिक क्रिस्टल। इन आयोनिक क्रिस्टल तो अब बताओ, अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर मैं लैटिस पॉइंट को डिस्टर्ब करता हूं इस तरीके से कि क्रिस्टल का फॉर्मूला ही बदल जाए, तो एक कैटेगरी हो गई। और हो सकता है मैं कैटायन एनायन को ऐसे डिस्टर्ब करूं कि क्रिस्टल का फॉर्मूला चेंज ही ना हो, तो एक अलग कहानी हो गई, है ना? तो यानी यहां पे दो टाइप के होते हैं, कौन से? क्रिस्टलाइन, सॉरी क्रिस्टलाइन बोल, स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। Got it, बच्चों? So point defects are two types, कौन से? Stoichiometric and non-stoichiometric. Stoichiometric and non-stoichiometric. Correct? अब एक इनमें से ऐसा है जिससे फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा और एक ऐसा है जिससे फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। चेक करो stoichiometric का डेफिनेशन, चेक करो। हाँ, है ना? तो क्या ध्यान रखना है आपको, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर जो भी डिफेक्ट आएंगे उनमें फॉर्मूला जो आयनिक क्रिस्टल का पहले था और डिफेक्ट होने के बाद सेम ही रहने वाला है। राइट इट डाउन, इन दिस डिफेक्ट द फॉर्मूला ऑफ द आयनिक क्रिस्टल रिमेन सेम। In this crystal, the formula of ionic crystal remains same, right? Remains same, correct? और non-stoichiometric में क्या होगा बेटा?
इसमें आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मूला बदल जाएगा. राइट इट डाउन. इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट द फॉर्मूला ऑफ द आयनिक क्रिस्टल विल चेंज. तो अभी इनका फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बीच में. ठीक है. अब स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर भी बेटा दो टाइप के डिफेक्ट्स है. सबसे पहला है फ्रैंकल. स्पेलिंग देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट. सही है. और दूसरा शॉटकी डिफेक्ट. कहां पे? ओके. यहां पे एच होगा या इधर होगा? शॉर्ट की. राइट. तो शॉर्ट की डिफेक्ट. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में अगर मैं बात करूं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में हाँ जी बिल्कुल सही, मेटल एक्सिस डिफेक्ट. और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. अब मेटल एक्सिस में भी दो तरह के आएंगे. अब मैं जब उनके डिटेल में चलूंगा तो आपको डिस्कस करूंगा. करेक्ट. तो फ्रैंकल एंड स्कॉटकी, ये दोनों डिफेक्ट को हम लोग पहले समझते हैं. तो भाई फ्रैंकल डिफेक्ट किसे बोलते हैं? अब आप अलग से हेडिंग डाल के लिख लेना, मैं यही समझा रहा हूं. आप अलग से हेडिंग डालो और लिखो इसके बारे में. फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? देखो, जैसे सोडियम क्लोराइड का अगर मैं क्रिस्टल ले लूं बेटा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस. करेक्ट. और ऐसे ही बनाते चलो. अभी बनाओ नहीं, पहले समझ लो, फिर उसके बाद ड्रॉ करना. मैं अभी स्टोइकियोमेट्री के बारे में बात कर रहा हूं, इन दोनों के बारे में. ठीक है. तो Cl माइनस ऐसे ही एक और क्रिस्टल ले लेता हूं मैं, मुझे थोड़ा बड़ा बनाना थी. हाँ जी. अब अगर ऐसा कुछ हुआ ना कि इसमें से कहीं से सोडियम गायब ही हो गया, वहां पहुंचा ही नहीं, और कहीं से क्लोराइड आयन मिसिंग हो गया, मतलब एक तरह का ये वैकेंसी डिफेक्ट हो गया. बोलो भाई. तो ये, अरे हाँ बाबा, मैंने अभी कुछ बोला क्या? तो ये कौन से कैटेगरी में आता है? शॉटकी डिफेक्ट में. ठीक है. शॉटकी डिफेक्ट के अंदर अगर आयन ही मिसप्लेस हो जाए, गायब ही हो जाए वहां से, या यूं कह लो जब क्रिस्टल बन रहा था तो वहां पहुंच ही नहीं पाए जहां उनको पहुंचना था, तो इट इज वन टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट आप बोल सकते हो, जो हमने नॉन आयनिक के अंदर पढ़ा हुआ था, वैकेंसी डिफेक्ट जैसा है. तो शॉटकी डिफेक्ट के अंदर कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल इन देयर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो. क्योंकि यहां NaCl है तो एक सोडियम गया तो एक क्लोराइड आए. कोई ऐसा मान लो क्रिस्टल होता जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड टाइप, राइट, तो अगर एक Mg गायब हुआ तो दो क्लोरीन को निकलना पड़ता. तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में अगर आयंस गायब होते हैं तो ऐसे डिफेक्ट को हम कौन सा बोल रहे हैं? हम शॉटकी डिफेक्ट. तो फिर फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? तो फ्रैंकल डिफेक्ट में जो आयंस है ना,
वो अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके कहां पहुंच जाते हैं, वॉयड्स के अंदर। और ये कब होगा, जब जनरली एनायन काफी बड़ा हो जाए और कैटायन रिलेटिवली छोटा रह जाए। बोलो, तो सोडियम क्लोराइड में फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं मिलता है, सोडियम क्लोराइड यहां की कैटेगरी में आता है। लेकिन सिल्वर क्लोराइड ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, सिल्वर आयन काफी छोटा है, क्लोराइड ब्रोमाइड काफी बड़े स्पीसीज हैं, तो वहां पे सिल्वर आयन अपना लैटिस पॉइंट छोड़ करके कहीं दूसरे वॉयड में अगर चला जाए, किसी दूसरे वॉयड में, ऐसे तो कैटायन खुद वॉयड में प्रेजेंट होता है, बट वो लोकेशन भी ड्रॉप करके कहीं इधर उधर अगर खिसक जाए, तो ऐसे केस में हम कौन सा बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो लिखो, बाकी मैंने बोला है मॉड्यूल में दिया है, कौन सा पेज नंबर है भाई, 64 में एक बारी चेक करो, ये लाइन चेक कर लो सब लोग। क्या बेटा, ड्रॉ करके दिखा दूं, अभी दिखा दे रहा हूं, ये इनफैक्ट है भी तो ना, देखो ना आपके बुक में है, बड़ा सिंपल सा है, देखो वहां पे, चलो मैं अभी ड्रॉ करके दिखा दूं, वो लार्जर पिक्चर लोगे तो दिखाई देगा, रुक जाओ मैं यहां बना के दिखा दूं। जैसे AgCl का क्रिस्टल ले लो, तो उसमें आप Ag प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ Ag प्लस है। अभी एक ना ट्राई करूंगा लास्ट में एक एनिमेशन से भी आपको समझाने के लिए, कुछ नहीं है बस ऐसा विजुलाइज कर लो यार। अब जैसे अब ये अगर क्रिस्टल बन रहा है मान लो क्लोराइड आयन, मेरी मजबूरी है कि जब मैं टू डायमेंशन में दिखा रहा हूं तो मैं 3D पिक्चर दिखा ही नहीं सकता हूं, और ये सॉलिड पूरे 3D है, वॉइड्स वगैरह आपको वहीं दिखने वाले हैं, तो आप अगर ऐसे समझ जाओ तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मुझे एनिमेशन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ Ag प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ Ag प्लस है, यहाँ Cl माइनस, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैं तुमको कैसे बता पाऊंगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो कहाँ दिखा पाऊंगा मैं, एक सिंगल लेयर, दूसरा लेयर बनाऊंगा तो ये डायग्राम ही इतना क्लमजी हो जाएगा कि पता भी नहीं पड़ेगा ना। तो अब ऐसे समझो कि अपने लैटिस पॉइंट से बस इसको सेट करो अपने दिमाग में, बाकी मैं अभी कोशिश करूंगा उस पर दिखाने के लिए, कि अपने पर्टिकुलर पोजीशन से वो गायब होकर के वॉइड के अंदर कहीं जाके ट्रैप हो गया है, अभी क्रिस्टल में ही, मतलब नंबर्स डिस्टर्ब नहीं हुए उसके। तो फ्रैंकल डिफेक्ट से डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसे मान लो यहाँ पे आइडियली सिल्वर को होना चाहिए, बट अभी वो है ही नहीं, इस जगह पे खाली जगह हो गया, और यहाँ पे क्लोराइड आयन है और ये सिल्वर यहां से उठ के कहीं इधर उधर कहीं चला गया, कहीं इस साइड जाकर के Ag प्लस बैठ गया, बात समझ रहे हो, यहाँ गायब है बट यहां जाकर के कहीं बैठ गया जहां पे उसे रहना चाहिए उस जगह नहीं। तो ऐसे जो डिफेक्ट अराइज हो रहे हैं जहां पे वो अपना पॉइंट जिस जगह पे उसको लोकेट होना चाहिए या लोकेटेड रहना चाहिए वहां छोड़ करके कहीं और चला जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ जी, फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट। तो लिख लो ये बात, इट इज कॉज्ड ड्यू टू मिसप्लेसमेंट ऑफ आयन फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट टू From its lattice point, misplacement of iron, okay? Removal नहीं है, misplace हुआ है बस। किससे? इससे देखो, दोनों में फर्क ये है कि एक में density decrease करेगी, दूसरे में सेम रहेगी। किसमें? नहीं, बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है, इनकी electrical properties भी बदल जाती हैं, right? आयनिक क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी डिफेक्ट आने से चेंज हो जाते हैं, राइट। तो फर्क तो पड़ता है, डेंसिटी में फर्क अपने आप में एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ जी, इट इज कॉज ड्यू टू मिसप्लेसमेंट ऑफ आयन फ्रॉम लैटिस पॉइंट टू वॉयड, और वॉयड को ही इंटरस्टिशीज बोलते हैं, इंटरस्टिशीज या वॉयड एक ही चीज है, इंटरस्टिशियल बोल रहे हैं ना, तो इंटरस्टिशीज मतलब वॉयड ही होता है, समझ गए ना, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, आप बोलो, गॉट इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस इज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डज नॉट चेंज, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डज नॉट चेंज, हाँ, इंटरस्टिसीज,
अरे इंटरस्टिशियल का जो स्पेलिंग था वहां से अब मॉडिफाई कर लो यार, अब इतनी छोटी छोटी चीजें कोई। STECIES होगा लास्ट में, राइट? हाँ जी, हो गया, गॉट इट। नेक्स्ट आप लिखो किसके बारे में, शॉटकी डिफेक्ट के बारे में। अच्छा उसके एग्जाम्पल जरूर लिख लेना बेटा ना, एग्जाम्पल पूछता एग्जाम में। हाँ करेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल में आप लिख लो, AGCL। AGBR, हाँ जी, जिंक सल्फाइड। देखो वहां पे भी सल्फाइड आयन इज क्वाइट लार्ज, जिंक टेट्राहेड्रल वर्ड्स में जाता था पहले, ध्यान है, जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल में। तो ऐसे जगहों पे जहां पे कैटायन एंड एनायन की रेडियस के बीच में काफी बड़ा गैप हो, वहां पे जनरली ये आता है, कौन सा वर्ड, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट आएगा, राइट? तो नेक्स्ट लिखेंगे कौन सा बताओ, शॉटकी डिफेक्ट लिखो। इट अराइजेस ड्यू टू अब यहां पे मिसप्लेस नहीं हो रहा है, पूरा गायब ही हो गया है, राइट? इट अराइजेस ड्यू टू रिमूवल कह लो या मिसिंग कैटायंस एंड एनायंस की वजह से बोल लो, मर्जी आपकी है। इट अराइजेस ड्यू टू रिमूवल ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन इन देयर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, इन देयर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, इन देयर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम द क्रिस्टल, फ्रॉम द क्रिस्टल। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, बिल्कुल ये वैकेंसी डिफेक्ट की तरह लिख लो, इट इज सिमिलर टू वैकेंसी डिफेक्ट। आप ये ड्रॉ करके दिखा लेना, इट इज सिमिलर टू वैकेंसी डिफेक्ट। सो द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल डिक्रीज। एग्जांपल क्या है इसका, जहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर रिलेटिवली हाई हो, जैसे सोडियम क्लोराइड, KCl, KBr, करेक्ट, जहां पे कैटायन एनायन के साइजेस के बीच में बहुत बड़ा गैप ना हो, उन सब जगहों पे होता, करेक्ट, नोटेड एवरीबॉडी। चलिए अब कौन सा देखेंगे, विल चेक नाउ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसमें आप पहला हेडिंग डालो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हाँ जी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अब इसके दो इंपॉर्टेंट तरीके हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट करने के। अब उनमें सबसे पहला कौन सा है ना, देखो नाम से ही क्लियर है, मेटल का एक्सेस होना, यानी कैटायनिक पार्ट का एक्सेस होना है। तो अब आप एक्सेस दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो, एक तो एक्स्ट्रा कैटायन ऐड करके, समहाउ यू आर एडिंग एक्स्ट्रा कैटायन, या दूसरा तरीका होता है कि एनायन को रिमूव करके। बट पता है आपको, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल के अंदर कलर, एक स्पेसिफिक कलर फॉर्म होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर आप हीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, तो दिस इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो येलो कलर का फ्लेम आता है।
दूसरा तरीका है जो मैंने बताया कि एनायन को ही आप गायब कर दो तो भी आएगा। तो वो तरीका होता है जब जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को या कैडमियम ऑक्साइड को अगर आप हीट करो तो जिंक ऑक्साइड येलो टर्न हो जाता है ऑन हीटिंग। अब ये कलर क्यों आते हैं? ड्यू टू एफ सेंटर। अब ये एफ सेंटर क्या है वो मैं अभी समझाता हूं, ठीक है? तो लिखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस कैटायन। लिखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, पहला पार्ट इसका लिखो ड्यू टू देखो कैटायन तो एक्सेस दोनों में ही है यार, अब क्या बोलोगे इसको? ड्यू टू प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा कैटायन्स आप बोलो, राइट? ओके, या और कोई अप्रोप्रिएट वर्ड मैं देख लेता हूं क्या इसको बोल सकते हैं। नहीं जी, चलो कोई नहीं, बस ऐसे लिख लो। नहीं, एक्स्ट्रा मेटल आयन तो दोनों में ही होगा ना? हाँ, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा मेटल आयन आप इतना लिख लो। ड्यू टू एडिशन, देखो मैंने बोला मेटल को एक्सेस करना है तो दो तरीके, या तो आप मेटल आयन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करो या तो नेगेटिव आयन को निकाल दो। तो यही दोनों तरीके में, तो पहला पार्ट क्या लिख रहे हैं? हाँ, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा मेटल आयन। अब वो इसका एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूं कौन सा है, राइट? लिखो व्हेन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। व्हेन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, ओके, सोडियम वेपर, देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड। ओके, देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड। मैं दिखा रहा हूं कैसे होता है, ध्यान से देखो। जो आयनिक क्रिस्टल है ना बेटा, प्लस माइनस, ये जब आप प्लस लिख रहा हूं और जहां माइनस लिख रहा हूं आप समझ रहे हो प्लस का मतलब सोडियम आयन है और माइनस का मतलब क्या है, है ना? तो अभी क्या हो रहा है कि मैंने सोडियम वेपर, तो बताओ सोडियम को जब आप हीट करोगे Na को, तो देर इज अ चांस कि वो आयोनाइज हो जाए, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, बोलो भाई, आप क्रिस्टल को हीट करोगे तो इनके बीच में एक्सपेंशन भी होगा। बोलिए बच्चों, तो ये सोडियम आयन क्या होगा, यहां जाके चिपक जाएगा भाई, कैटायन बना वो यहां आकर के चिपक गया। अच्छा, अब क्या होता है, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सग्रेट करता हूं, एक लेयर और बना दे रहा हूं, एटलीस्ट आप ना तीन लेयर बना के रखना। तो होता क्या है, जब आप हीटिंग करते हो क्रिस्टल की, तो देर इज अ चांस कि ये अपने जगह से उठ करके ये जो कैटायन है यहां पे आकर के इसके बगल में बैठ जाए। तो जैसे ही यहां से गायब होगा, ऑफ कोर्स स्पेस क्रिएट होगा तभी ऐसा होने वाला है। तो अब ये प्लेस में कौन जाएगा? अगर आप ऐसे देखो तो यार एक्स्ट्रा पॉजिटिव तो आ गया, बट ओवरऑल ये पॉजिटिवली चार्ज क्रिस्टल हो गया फिर तो, क्योंकि नेगेटिव तो आया ही नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही जाकर के इस यहां पे जो स्पेस क्रिएटेड था वहां जाकर के सेटल हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहां सेटल होता है तो ये ऑक्सीलेट करता है इन सच अ मैनर कि इससे रिलेटेड जो फोटोन का एमिशन होता है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, याद है आपको जब हम लोग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन का अगर ऑक्सीलेशन हो ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, तो ऐसे केस में ये स्पेसिफिक फोटोन एब्जॉर्ब या एमिट करता है, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे विजिबल रीजन में आ गई तो उसका कलर आएगा। याद है लाइमन बामर वाले ना, तो बामर वाले केस में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऐसा देखने को मिला था। तो यहां पे भी बेटा कुछ वैसे ही है, ये इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक रीजन में आने के बाद
डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एक्साइट एंड डी एक्साइट करता है, जिसके वजह से इस पर्टिकुलर क्रिस्टल का कलर येलो दिखाई देता है, राइट? या यूं कह लो, जब फ्लेम में हम लेके जाते हैं तो येलो कलर वहां से अपीयर होता है, करेक्ट? तो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस, और इसी को एफ सेंटर बोलते हैं. एफ स्टैंड फॉर फेबर, फेबर मीन्स कलर होता है, एफ सेंटर. तो आप इसको बोल सकते हो एफ सेंटर. पास वाला ही तुम लेके चले जाओ. अरे मैं तो बस एक केस बता रहा था, कहीं ना कहीं तो वैकेंसी क्रिएट होगी ना बाबा, इधर से उठ के वो ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आया तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करे, आपने हीटिंग भी आया तो मोबिलिटी चांसेस है आयंस के मोबाइल होने के, तो बस वहां पे जाकर के सेट हो गया. तो प्लीज ड्रॉ इट लाइक दैट. हाँ पूरे, अरे सोडियम सॉल्ट ले लिया हमने पाउडर्ड फॉर्म में, उसको हम हीट कर रहे हैं फ्लेम में, सोडियम भी साथ में वेपर वहां प्रेजेंट किया हुआ है, तो वहां पे जाकर के उस फ्लेम का कलर येलो हो जाता है. वो फ्लेम का कलर क्यों येलो आता है, उसके पीछे ये रीजन. नेगेटिव आयन रिप्लेस नहीं, बेसिकली नेगेटिव आयन इज डिफ्यूज्ड फ्रॉम इट्स इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर टू द सरफेस. किसकी वजह से डिफ्यूज हुआ, बिकॉज ऑफ द एक्सेस पॉजिटिव. यहां मैं एक दिखा रहा हूं ना, बहुत सारे प्लस 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 आ जाएंगे ना, तो उनकी वजह से एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उसको नेगेटिव को खींचना चाहेगा, और हीटिंग किया है तो मोबिलिटी के चांसेस है आयन के, इसलिए वो वहां पे चला जाएगा, और जो वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुआ आयन्स का, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला था वो वहां के बैठ जाएगा. समझ गए? तो इसको लिख लो, बना के लिख लो, और अपने वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन कर लो, मेरे से मत लिखवाओ उसको. लिखो, when sodium chloride crystal is heated in the presence of sodium vapor, the chloride ion will diffuse and create a void inside. Create a void inside the crystal. Next, likho, the electron released by the sodium will diffuse into void. Ye important hai. The electron released by sodium will diffuse into void. Understood na? Next likho. The electron present in the void causes color to the crystal. Right? And it is termed as F center. Got it? पूरी स्टोरी लिख ली. अब देखो इसमें स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हुआ क्या? बिल्कुल हो गया सर, क्योंकि हमने सोडियम आयन तो प्रोवाइड किया, बट क्लोराइड आयन मैंने एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं किया, वो तो अंदर से ही ऊपर जा रहा है, तो एक्स्ट्रा मेटल आयन हो गए ना, तो इसमें कैटायन के नंबर्स ज्यादा हो गए. जो NaCl था, अब Na1 प्लस समथिंग हो जाएगा एंड Cl माइनस रहेगा. अरे भाई, पहले NaCl था, अब मान लो कि 1000 NaCl यूनिट्स में एक एक्स्ट्रा सोडियम आयन आ गया, तो वो 1001 सोडियम आयन हो गया, और क्लोराइड तो अभी भी 1000 ही, तो डिस्टर्ब हो गया ना स्टोइकियोमेट्री. पहले वो 1:1 था, अब 1:1 नहीं रह गया, इसलिए इसको कौन से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में काउंट करते हैं.
गॉट इट, है ना? हाँ जी। अब पहला मैंने आपको बताया ड्यू टू क्रिएटिंग एक्स्ट्रा मेटल आयंस, ये इसके वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट था। सेकंड डिफेक्ट लिखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। डेंसिटी का कोई फर्क कहां पड़ रहा है? कायदे से देखो तो यहां से इधर आ रहा है और ये तो एक्स्ट्रा मास क्रिएट हो रहा है ना, तो यहाँ पे डेंसिटी का एज सच कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमने, अरे एक्स्ट्रा मासेस प्रोवाइड करा रहे हैं ना, तो अब डेंसिटी से लेना देना कैसे है? किससे? हाँ, लेकिन ये भी तो सोचो, यहाँ वॉइड भी तो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये क्रिस्टल डेंसिटी में फर्क आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, है ना? क्योंकि आप वॉइड क्रिएट तो कर रहे हैं ना। जैसे देखो, अगर ये क्लोराइड आयन ऊपर आ गया तो यहाँ स्पेस तो क्रिएट हुआ ना, और जब कोई भी आयन आकर के यहाँ बैठेगा तो वो सिर्फ मास में ही कॉन्ट्रीब्यूट थोड़ी ना करता है, वो तो क्रिस्टल का वॉल्यूम भी बढ़ाता है ना। बोलो भाई, तो सिर्फ आप सोडियम आयन को क्यों देख रहे हो? डेंसिटी विल बी अफेक्टेड फॉर श्योर, करेक्ट? तो यहां तक क्लियर। अच्छा हाँ, एक और चीज है जो इस पे देखो मैं ध्यान आपका लेके आना चाहूंगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किसी भी केस में डिस्टर्ब नहीं होती है। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई अगर आपने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब कर दिया तो आपने बेसिकली चार्ज क्रिएट कर दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अंडरस्टूड ना? तो नोट करके ये बात लिख लो, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स सेम, या द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन्ड, क्योंकि सोडियम आयन आया तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी आया है, इसलिए प्लस माइनस दोनों इक्वल नंबर्स में ही आए। द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन्ड। होता है, तुम ये ध्यान से देखने की कोशिश करो। देखो इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सर जो जनरली हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो हमने हाइड्रोजन एटम के अंदर देखा था कि 1s, 2s, 2p ये सब होता है, तो यहाँ एनर्जी लेवल्स तो हैं, यहाँ पे क्या है? तो याद है आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि जब भी एटम्स पास आते हैं तो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्रिएट करते हैं। तो बेटा ये भी तो एनर्जी लेवल्स ही है, यहाँ दो एटम थोड़ी ना, कई सारे आयन्स पास आ रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल होगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस रहता है तो एक सिंगल एनर्जी स्टेट में कभी भी नहीं रहता है। हमने एटम के बारे में पढ़ा था इसलिए वहां पे मैंने आपको डिटेल दिया, अब आप उसको जनरलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी है, इसी के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे, समझ रहे हो ना? अब उसके डिफरेंट शेप भी होगा, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, एक एटम में तो हमारा हालत खराब हो गया, क्वांटम नंबर सब कुछ सीखते सीखते, अब इतने सारों का इकट्ठे कैसे डिस्कस करें? ठीक है, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इन सबके इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ एनायंस। अब इसका एग्जांपल क्या है कि जब आप जिंक ऑक्साइड को हीट करते हो, अगर आप इसको हीट करते हो तो ये येलो बन जाता है। तो हीट करने से येलो होता है, कूल डाउन करोगे तो वापस ये व्हाइट हो जाए। ऑन हीटिंग जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो। अब ऐसा क्यों होता है, अब उसी को हम लोग समझते हैं कि देखो जिंक ऑक्साइड में ये O2 माइनस है, कम से कम इसके तीन लेयर बनाने पड़ेंगे तब दिखेगा, ये बना लो।
गॉट इट? क्या हुआ? अब मान लो मैंने इसको हीटिंग करना स्टार्ट किया बेटा, अगर आप इसको हीट करते हो तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ध्यान रखना ऊपर ना जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो बहुत कम रहेगा। तो जब बहुत कम प्रेशर रहता है तो ऑक्सीजन यहां से निकल करके अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके O2 के फॉर्म में आ जाएगा। O2 माइनस विल रिलीज इट्स टू इलेक्ट्रॉन एंड विल कम आउट एज O2। तो ऑक्सीजन बन के अगर ये बाहर निकल के आ जाएगा बेटा तो अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं पे ड्रॉप कर देगा, यानी आफ्टर दैट ये सब कुछ वैसे ही बना लो, बस उन जगहों पे आप इलेक्ट्रॉन दिखा लेना। अब ये अकेला इलेक्ट्रॉन ही नहीं भाई, और भी इलेक्ट्रॉन है ना, एक ऑक्सीजन एटम अगर रिमूव हो रहा है तो डबल इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इन जगहों पे वापस इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल NaCl जैसा ही केस जनरेट हो गया, इसलिए यहां पे भी कलर आता है। तो इस बार ही क्या हुआ, आपने एनायन को ही रिमूव कर दिया ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करके। तो किया क्या मैंने, ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरमेंट में मैंने जिंक ऑक्साइड को हीट किया कि बहुत ज्यादा ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा तो वो खुद डिफ्यूज करना चाहेगा अंदर, तो अगर वो ऊपर प्रेशर कम है तो ये नीचे से ही O2 बनने के चांसेस रहते हैं। अंडरस्टूड ना? तो फिर से समझाता हूं, देखो तो जब भी आप जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को हीट करते हो तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, अच्छा आपको याद है मैंने बहुत पहले आपको एक बात बताई थी कि अगर गैस फॉर्म में ऑक्सीजन गैस फॉर्म में अगर एक इलेक्ट्रॉन दो तो ये बनाना चाहता है O माइनस, लेकिन अगर O माइनस को एक इलेक्ट्रॉन दो तो O माइनस टू ये बिल्कुल नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव है, दूसरे नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये तभी स्टेबल है जब ये क्रिस्टल के अंदर किसी पॉजिटिव से इंटैक्ट हो। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस आने से एक और एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, लैटिस एनर्जी। बताया था ना मैंने लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी की वजह से ऐसी कई सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल नहीं है। तो जब आप इसको हीट करोगे और ऑक्सीजन फ्री हुआ मूव करने के लिए, तो जैसे ही वो सरफेस पे आएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है, बट O नेगेटिव में भी अभी वो स्टेबल नहीं होगा, बल्कि अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ऑक्सीजन गैस बन सकता है। तो इसलिए अपने वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल करके यहीं छोड़ देता है, और यूं कह ले क्योंकि एनर्जी तो मिल ही रही है ना भाई, आप हीट कर रहे हो तो एनर्जी मिल रहा है ना, पहले इलेक्ट्रॉन को तो बड़े आराम से निकाल देगा O2- से, तो ऐसे ही थ्रो कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो थ्रू हीटिंग, तो ये भी निकल जाता है, तो ये बन जाता है, और नेसेंट ऑक्सीजन दो आपस में कंबाइन करके क्या बन जाते हैं O2, बस सिंपल है। तो O2 बन के बाहर निकल गया, अब O2 बन के बाहर निकल गया तो क्रिस्टल में है जगह खाली हो गई, जगह खाली होगी तो आप दो डायग्राम बनाओगे, एक में ऑक्सीजन दिखाते हुए और दूसरा जो मैं बता रहा हूं वहां हटा करके यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा दो, डबल इलेक्ट्रॉन होंगे बाबा, डबल इलेक्ट्रॉन, मैं तो बस एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं। अगेन इस इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीलेशन से या यूं कह लो एक्साइटेशन डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से हमारा कलर आएगा, और वो कलर जिस भी जोन में आए, फॉर्चुनेट है कि हमें येलो ही मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड में भी येलो मिला था और यहाँ पे भी येलो ही मिल रहा है। नोट इट डाउन ना, तो क्रिस्टल डिफेक्ट के वजह से भी कलर आते हैं, देखो क्रिस्टल डिफेक्ट ही तो था, क्रिस्टल डिफेक्ट के वजह से भी कलर आते हैं ना। एसी बंद कर, नोटेड एवरीवन। मिटा दो इसको, चलें आगे बढ़े।
बच्चों मेटल एक्सेस डिफेक्ट ओवर हो गया। अब हेडिंग डालो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल डेफिशिएंसी का दो तरीका हो सकता है, या तो आप कैटायन को निकालो या तो फिर बोलो एनायन को ऐड करो। तो जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है उसमें एक ही तरीका बस दिखता है, रिमूवल ऑफ कैटायन। जो प्रैक्टिकल तरीका देखा गया है, मतलब भाई ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई ना, बट प्रैक्टिकली कौन सा फिजिबल है, तो उसमें देखा गया है कि रिमूवल ऑफ कैटायन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हर केस में मेंटेन होनी चाहिए ना, क्रिस्टल तो हमेशा न्यूट्रल होने चाहिए। तो ऐसे केस में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप कैटायन को रिमूव कर रहे हो। एनायन को रिमूव करने से तो हमारे पास एडवांटेज था कि एनायन निकला बाहर और न्यूट्रल होकर के वो बाहर निकल गया और जो अपने इलेक्ट्रॉन तो वहीं छोड़ गया। कैटायन तो इलेक्ट्रॉन क्या ही छोड़ेगा भाई, वो तो ऑलरेडी प्लस है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ऐसा ऑब्जर्व होता है आयरन ऑक्साइड के FeO के क्रिस्टल में। कि जब आप थोड़ा ध्यान से समझो, जैसे मान लो Fe+2 मैंने लिख लिया, ऑक्सीजन 2-, फिर Fe2+, फिर ऑक्सीजन 2-, Fe2+, ऑक्सीजन 2-, तो ऐसे क्रिस्टल बना लेता हूं। आप बना लेना छोटे बड़े स्पीसीज करके, ठीक है, मैं बस रेगुलर साइज में बना दे रहा हूँ। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ O2- Fe2+ O2-। तो बच्चों अगर यहाँ से आयरन 2+ से फॉर एग्जांपल गायब हो गया, गायब है कहीं बाहर निकल गया क्रिस्टल से ही बाहर, तो मेटल का डेफिशिएंसी हो गया। अब चार्ज मेंटेन करने के लिए हम क्या करें, तो ये जो आयरन 2+ है ना, अपने अगल बगल वाले जो नेबरिंग आयरन होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये 2+ निकल गया तो मुझे 2+ कहीं ना कहीं तो असाइन करना ही है। तो एक इस पे चला गया तो ये 3+ बन गया, एक बगल में नेबर कोई ले लो इसको 3+ बना के चला गया। तो इसको मार्क कर लेना ऐसे ऐसे करके ना, ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। और बाकी यहां पे O2- Fe2+ O2- Fe2+ O2-, बस ये तीन लेने बनाना काफी है। और यहाँ पे क्या आएगा O2-, समझ आया? ये अपने चार्जेस को कैसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो जब 2+ निकल गया भाई, 2 पॉजिटिव तो हमें देना ही है, तो अपने नेबरिंग आयरन को, जो आसपास वाले आयरन है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर दिया। तभी तो एक गया और दो अगर 1-1 यूनिट इंक्रीज हो गए तो बराबर सी बात हो गई भाई, चार्ज बैलेंस ही रहा ना अभी भी, है ना। अरे भाई अगर मान लो यहाँ आयरन रहता, ये रहता, ये रहता, तो 2+2+2 6+ पॉजिटिव रहते, अब ये गया तो अभी 4 ही पॉजिटिव है। तो इसने अगर इनको एक एक यूनिट बढ़ा दिया तो ये दोनों ऐड करके देखो फिर से 6 हो गया। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अगल बगल। अब अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्या जिंक ऑक्साइड में कभी भी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है? आंसर इज नेवर। व्हाई? क्योंकि जिंक कभी भी +2 से +3 नहीं हो पाएगा। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, क्योंकि भाई सोडियम हमेशा +1 में। तो ये उन जगहों पे ही होता है जहां पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, या यूं कह लो उससे हायर स्टेट पॉसिबल हो। तो डी ब्लॉक वाले में भी, उसमें भी वेरिएबल चीजों में आयरन 2 से 3 हो जाए, मैग्नीज 2 से 3 हो जाए, इन सब जगहों में मिलने के चांसेस है, बट सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले किसी भी जगहों पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये नोट कर लो अच्छे से। बोलो हीटिंग से रिमूवल होता है, या क्रिस्टल बनते बनते वहां आयरन पहुंच ही नहीं पाया 2+ वाला, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते टाइम पे आ गया। बच्चों चलो, तो ये सारे डिफेक्ट खत्म हो गए। एक और चीज है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में पढ़ते, पहले इसको नोट कर लो, जल्दी खत्म करो।
हाँ जी जरूरी है ना, आप कहीं पे कोई न्यूट्रल चीज से आप चार्ज कैसे बना सकते हो? एग्जैक्ट, कोई चीज पहले से न्यूट्रल है, अब आप उसको ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बना दो। और कभी भी अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रही तो ऐसे केस में एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगा कि वो अनस्टेबल स्पीसीज क्रिएट हो जाएगा ना, अकेला अगर प्लस रहा तो। तो की पॉइंट क्या है, कोई भी डिफेक्ट लेके आओ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। गॉट इट? तो अब नेक्स्ट डिफेक्ट देखेंगे कौन सा है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये भी बेटा इसी में आता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पॉइंट डिफेक्ट ओनली। तो उनमें हमने दो पार्ट बनाया था, स्टोइकोमेट्रिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक। अब ये थोड़ा अलग कैटेगरी का है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम दो जगह देखेंगे, एक आयनिक क्रिस्टल के अंदर देखेंगे और दूसरा कहां देखेंगे, सिंपल नॉर्मल लैटिस में, राइट, यानी सेमीकंडक्टर्स में भी देखेंगे। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में मैं जो सबसे पहला केस लूंगा, व्हेन SrCl2 स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड इज डोप्ड। डोपिंग का मतलब समझते हो ना, नहीं? देखो मैं डोपिंग बोला तो ऐसे इंजेक्शन दिखा रहे ये है एक लड़का, नाम नहीं लूंगा, बदनाम हो जाएगा बिना मतलब का, और ये तो YouTube पे भी चला जाएगा मेरा लेक्चर, है ना। चलो, तो ये डोपिंग की बात नहीं, काइंड ऑफ ऐसा ही डोपिंग आप बोल लो, बट इंजेक्शन से नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। यार डोपिंग का मतलब बेसिकली इंप्योरिटीज को इन्फ्यूज करना किसी सॉलिड के अंदर, राइट। SrCl2 इज डोप्ड इन क्रिस्टल ऑफ NaCl। आप ध्यान से समझो, ये ओके? तो ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान दो इधर, आपको क्रिस्टल बनाने पड़ेंगे, कम से कम तीन लेयर तो दिखाना पड़ेगा तब जाके आपको। हाँ जी, कीप क्वाइट। ध्यान से देखो इधर, अब बच्चों इधर ध्यान से देखो, अगर आप SrCl2 को NaCl में डोपिंग करते हो ना, बेसिकली हीट करके, तो यहां पे अगर ये पॉजिटिव को रिप्लेस करता है, मैं एक रिप्लेस कर रहा हूं, यहां पे एक प्लस चार्ज गायब हुआ, तो जगह तो एक क्रिएट हो गई, एक जगह अगर क्रिएट हो गई तो यहां स्ट्रॉन्शियम प्लस टू आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रॉन्शियम एक सोडियम आयन को आप रिमूव कर रहे हो तो प्लस वन का लॉस हो रहा है, और आप इसे ऐड कितना कर रहे हो, प्लस टू, तो उसको मेंटेन करने के लिए दो सोडियम आयन को गायब होना पड़ेगा, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दो को गायब होना पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि अगर मान लो 0.01% SrCl2 को डोप किया है, इम्प्योरिटी क्रिएट की है, तो कितने परसेंट वॉयड क्रिएट होंगे एक्स्ट्रा, तो आंसर है उतना ही परसेंट, जितना भाई स्ट्रॉन्शियम आएगा उतने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वॉयड क्रिएट कराएगा, क्योंकि एक जगह खुद बैठेगा और एक जगह खाली छोड़ देगा, समझ आ रहा है ना बात। तो चार्ज वाइज 1 Str+2 इज इक्वल टू 2 Sn, तो दो को रिप्लेस करेगा, तो ये बात लिख लेना, 1 Str+2 विल रिप्लेस 2 Sn टू क्रिएट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी या टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी।
वन स्ट्रॉन्शियम प्लस टू विल रिप्लेस टू सोडियम आयन टू क्रिएट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, करेक्ट. इन वन ऑफ द वॉयड स्ट्रॉन्शियम प्लस टू विल स्टे, अदर विल रिमेन एम्प्टी. इन वन ऑफ द वॉयड स्ट्रॉन्शियम टू प्लस विल स्टे, द अदर विल रिमेन एम्प्टी. समझ आया? तो अगर ये बोल दे 10 के पावर माइनस 3 मोल डोप किया SRCl2, तो इक्वल टू 10 के पावर माइनस 3 मोल वॉयड स्पेस विल बी क्रिएटेड, न्यू वॉयड स्पेस, पहले जितने थे उसके अलावा ये एक्स्ट्रा आ जाएंगे, विल बी क्रिएटेड. जितने आप SRCl2 डोपिंग करोगे उतने ही वॉयड क्रिएट हो, ठीक है. तो ये कौन सी मैंने आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बताई, जहां पे आयनिक क्रिस्टल को दूसरे आयनिक क्रिस्टल से हम रिप्लेस कर रहे हैं. अंडरस्टूड? नाम इम्प्योरिटी आपको समझ में आ रहा होगा कि NaCl एक प्योर क्रिस्टल है, आपने वहां दूसरे क्रिस्टल को उसके अंदर फ्यूज करने की कोशिश करी. इज दैट क्लियर एवरीबडी? यहां तक क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट आ जाओ. डोपिंग इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स. हाँ चलो, अच्छा, अच्छी बात है. देखो ये कुछ वैसी वाली चीज हो गई कि जब SRCl2 आ रहा है तो कहीं यहां बैठने की कोशिश कर रहा है वो नए पोजीशन पे, तो उसके क्लोराइड आयन तो अपने अपने जगह पे चले गए, 2Cl थे ना वो चले गए, ये स्पेस खाली रह गया. तो उसको मैंने आपको दूसरे तरीके से समझाया, मैंने बोला भाई SR को आप गायब करो, सोडियम को गायब करो तो स्ट्रॉन्शियम आएगा, एक और स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा क्लोराइड, तो यही एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं. बट रियलिटी में क्या होता है, SRCl2 में दोनों ही चीजें आती हैं, स्ट्रॉन्शियम भी आएगा क्लोराइड भी आएगा, बट स्ट्रॉन्शियम आएगा तो यहां नेगेटिव दो और बीच में एक वॉयड क्रिएट करेगा ही करेगा ना. अब ऐसे में दिखाता तो पता नहीं पड़ता वॉयड क्यों आ रहा है, इधर से आपको समझ आ गया, इसलिए मैंने ये तरीका निकाला, ठीक है. चलो अब डोपिंग इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे हम लोग. तो बच्चों ये बताओ, जितने आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है हमारे लिए, सेमीकंडक्टर. चिपसेट वगैरह जो भी बनते हैं वो कहां से बनते हैं? तो कार्बन वाले ग्रुप में सिलिकन एंड जर्मेनियम, ये दोनों हमारे पास सेमीकंडक्टर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे डायमंड के केस में हमारे पास टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट था, वैसे ही सिलिकन एंड जर्मेनियम के भी क्रिस्टल में वैसे ही होता है. मतलब वन सिलिकन इज अटैच विद 4 सिलिकन. देखो मैं प्लेन में दिखा रहा हूं, बट मैंने उस दिन आपको 3D में भी दिखाया था, राइट? डे वन में ही मैंने आपको दिखाया था 3D. करेक्ट बेटा? अब ये रिंग साइज में गलत बना सकता हूं, मैं तो बस जैसे एक 2D पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ. 4-membered कहां बनेगा भाई, अनस्टेबल हो जाएगा ना बहुत ज्यादा. तो आप समझो, बस ये एक रिप्रेजेंटेशन ही है जो मुझे समझाना है, बस ये, इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है. बस मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको टेट्राहेड्रल समझाने का, क्योंकि वैसे बना दूंगा तो बहुत क्लमजी हो जाएगा, तो इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे मत जाओ. बस ये सोचो कि 1 सिलिकन इज बॉन्डेड विद 4 of them. अब आप सोचो इसमें हम डोपिंग कर रहे हैं, तो डोपिंग किसका होता है? 2 चीजों का होता है, एक बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स का होता है और एक फॉस्फोरस वाले नाइट्रोजन फैमिली के. जब इनकी डोपिंग करते हैं तो उससे जो सेमीकंडक्टर निकल के आता है उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. क्या बोलते हैं? और अगर इनकी डोपिंग से क्रिएट हो रहा है इस ग्रुप में, चाहे बोरॉन के इन्फ्यूजन से जो भी चीजें आ रही हैं, उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो मतलब जब सिलिकन के क्रिस्टल में आप
नाइट्रोजन ग्रुप में से कोई एलिमेंट ले आकर के डोपिंग करते हो, मान लो आर्सेनिक का मैंने डोपिंग कर दिया, तो इससे जो सेमीकंडक्टर बनने वाला है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। और अगर इसी सिलिकॉन के डोपिंग में मैं अगर बोरॉन का यूज कर लूं तो इससे जो बनने वाला, तो इसको पी टाइप। अब फिजिक्स में ना आप सेमीकंडक्टर प्लस टू में है, पूरा एक चैप्टर ही है सेमीकंडक्टर, और बहुत हैवी वेटेज होता है उसका बोर्ड में, जेई मेन के एग्जाम में भी ठीक ठाक वेटेज है। तो वहां पे पूरा डोपिंग प्रोसेस सर आपको समझाएंगे कि क्यों इसे पी टाइप बोलते हैं, क्यों इसे एन टाइप बोलते हैं, करेक्ट ना। मेरा काम बस यहीं तक होता है। मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा डिटेल और दे देता हूं कि जैसे आप इमेजिन करो यहां पे बोरॉन आ गया ना, सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा भाई ये एटम को रिप्लेस करके, यहां बोरॉन आ गया, तो बोरॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो ना बाबा, कितने होते हैं बोरॉन के वैलेंस सेल में? 3 होते। तो यहां एक खाली जगह रह गई ना, इलेक्ट्रॉन यहां है ही नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर सिलिकॉन होता तो यहां एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता, अभी सिलिकॉन नहीं है, बोरॉन आ गया, तो यहां खाली जगह बच गया, इसको बोलते हैं होल्स। तो दो तरह के चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल्स। होल्स जनरली इन्हीं को बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। तो इस एरिया को जहां पहले इलेक्ट्रॉन था, अभी इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो यहां पे अपेरेंट पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम विजुलाइज करने की कोशिश करें तो कि भाई पहले यहां पे सिलिकॉन था, अभी यहां सिलिकॉन नहीं है, यहां बोरॉन आ गया, तो इसके चारों तरफ चार इलेक्ट्रॉन थे, अभी 3 ही दिख रहा है, तो एक यहां पे जो नहीं था ऐसा समझ लो ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट रियलिटी में वो प्लस नहीं होता है बाबा, वो एक वेकेंट स्पेस होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आएगा वो खाली जगह यहां क्रिएट हो जाएगा, फिर इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो खाली जगह यहां क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली मूव तो चार्ज ही कर रहा है, बट हमें दिख खाली जगह के फॉर्म में रहा है। तो ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ होल्स। और इससे जो कंडक्शन में इंप्रूवमेंट आता है, इस वजह से यहां पे बोलते हैं कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेन चार्ज कैरियर होता है वो होता है होल्स, करेक्ट। अच्छा भाई एन टाइप में वही इमेजिन करो, मैं बस आपको एक एडेड चीज बता रहा हूं एन टाइप में। तो लेट अस अज्यूम कि भाई अर्सेनिक हमने डाल दिया, अर्सेनिक डाल दिया तो बताओ उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। तो 4 तो बनाएगा, एक अनबॉन्डेड रह गया ना, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इन एडिशन टू द कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है इसके वजह से इसको एन टाइप बोलते हैं। नेगेटिव नहीं है, ओवरऑल क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल ही है भाई। आर्सेनिक में प्रोटॉन भी तो है उतने ही जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो क्रिस्टल ओवरऑल न्यूट्रल है, बट जो कंडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूशन है यहां पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, और इधर किसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा था? होल्स का, खाली स्पेसेस का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा था। मूवमेंट तो हर जगह भाई इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, समझ आया बेटा? तो ये ध्यान रखना, इसी से पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, ठीक है। बस मेरा काम इतना ही था, बाकी डिटेल में आप फिजिक्स में देखोगे वो पीएन जंक्शन डायोड कैसे बना रहे हैं, एक एक छोटी छोटी डिटेल वो कैसे कर रहे हैं, वो सब वहां देखोगे। अंडरस्टूड? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पी टाइप एन टाइप यानी इम्प्योरिटीज वगैरह खत्म, डिफेक्ट सारे खत्म हो गए। और एक चीज मैं क्विकली आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझो, हेडिंग डालो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। किसमें? कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लिखो। पर अगर लिखना है तो बस इतना ही लिख लो, एकदम ब्रीफ में लिखो इसको, राइट। लिखो, व्हेन सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर डोप्ड विथ members of nitrogen family, members of nitrogen family like arsenic, members of nitrogen family like arsenic
देन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड, देन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड, करेक्ट। एन टाइप नाम याद भी रहेगा, नाइट्रोजन फैमिली से एन टाइप याद आ जाएगा तुम लोग को, ठीक है। बाकी दूसरा पी टाइप बगल बगल वालों से ही डोपिंग होती है, अंडरस्टूड ना। सेमीकंडक्टर्स हम कार्बन फैमिली वाले ले रहे हैं, तो एक तरफ बोरॉन है, एक तरफ नाइट्रोजन फैमिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, लिखो, इलेक्ट्रॉन इज द मेन कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या मेजर कैरियर आप बोल लो, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजर कैरियर ऑफ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजर कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गॉट इट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजर कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड लिख लो आप, व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विथ members of boron family, then p-type semiconductors are produced, p-type semiconductors are produced, the major carrier, the major carrier of electricity is holes, the major carrier of electricity is holes, बस इतना ही ब्रीफ काफी है इसके लिए, राइट। अब आप हेडिंग डालो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो देखो आपको जब मैंने प्लस वन में पढ़ाया था तो मैंने आपको दो तरह के स्पीशीज बताए थे, पैरामैग्नेटिक और दूसरा कौन सा बेटा, डायामैग्नेटिक। तो ऐसा कोई भी एटम या कोई मॉलिक्यूल जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं। जैसे NO2 के पास वन ऑड इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज अट्रैक्टेड, लेकिन ये गैस है, ध्यान से समझो ये बात, करेक्ट। और दूसरा डाया किसको बोलते हैं, जहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, जैसे CO2 इज अ डायमैग्नेटिक स्पीशीज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है। तो जब मैं बात सॉलिड की करता हूं तो ये एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में ज्वाइन हो गए और सॉलिड बना लिए। तो सॉलिड अगर डायमैग्नेटिक है, अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही डायमैग्नेटिक है जो इस सॉलिड को बना रहा है, मतलब अगर मान लो CO2 का सॉलिड बनता है तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी CO2 है वो खुद डायमैग्नेटिक है, तो पूरा क्रिस्टल डायमैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन बेटा जो पैरामैग्नेटिक, जैसे NO2 का सॉलिड अगर आप बना रहे हो, या पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और उससे सॉलिड बना रहे हो, तो तीन तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वहां से अराइज हो सकते हैं। कौन कौन से, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, ये तीन तरह की चीजें आती हैं, फेरो, फेरी, एंटी फेरो ना। अब ये कैसे आता है ये बात समझना है, ये सारा खेल इनके अलाइनमेंट का ही है। मैग्नेटिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जो मैंने आपको पहले ही बताया, डायमैग्नेटिक, if constituent particle ion or atom or molecules are diamagnetic, then solid will also be diamagnetic, got it। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये पैरामैग्नेटिक हो जाए तो उनके अलाइनमेंट के हिसाब से देयर आर थ्री कैटेगरीज। तो कौन कौन सा, फेरोमैग्नेटिक,
ये मैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये मैग्नेटिक डाइपोल्स का, इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल्स। इफ दे आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन, इफ द इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल्स आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन, इन सिंगल डायरेक्शन, देन फेरोमैग्नेटिज्म विल अराइज। अंडरस्टूड? क्या क्या पॉइंट है कि फेरोमैग्नेटिज्म तभी आएगा जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पैरामैग्नेटिक हो। ये पैरामैग्नेटिक है ही नहीं तो ये सिंपल सॉलिड कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये क्लियर है? बाकी डेफिनेशन आप बुक से भी उठा के छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेरोमैग्नेटिक सैंपल्स ये हो गए। एग्जाम्पल इसके बताइए भाई। तो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, CrO2 है, गैडोलिनियम है, GD। ये बड़ा फेमस है गैडोलिनियम। क्यों फेमस है भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से भी। हाफ फील्ड एफ ब्लॉक का है ना, तो हाफ फील्ड वाली बात में इसको इग्नोर मत करो, ऐसे गुस्सा हो जाएगा। CrO2 गैडोलिनियम। फेरोमैग्नेटिक हो गया, फिर हाँ जी एंटी लिख लेते हैं पहले, चलो खुश हो जाओ तुम लोग, एंटी फेरो। सो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड हमने पढ़ लिया, फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसके अंदर क्या होगा भाई? इंडिविजुअल डाइपोल्स तो हैं, मतलब इंडिविजुअली ये पैरामैग्नेटिक तो हैं, बट अलाइनमेंट इनका हाँ जी एकदम इक्वल एंड अपोजिट साइड में हो गया, अप एंड डाउन। तो इनका नेट रिजल्टेंट कैंसिल हो गया, बोलिए, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया। तो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे डायमैग्नेटिक बिहेव करता है। फर्क बस इतना है कि अगर आप इनको हीटिंग क्रिएट करके मैग्नेटिक फील्ड में लेके आओ तो इनके अलाइनमेंट बदल सकते हैं। तो एंटी फेरो को आप फेरो की तरफ चेंज कर सकते हो, इनके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस किया जा सकता है, डायमैग्नेटिक के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। तो आपके अंदर कुछ तो रहना चाहिए एग्जामिनेशन का कीड़ा, तभी हम इंड्यूस करके आपको कुछ उसके तरफ लेके जा सकते हैं। कुछ लोग पहले से ही गिवअप मार चुके हैं, जो उनको तो कुछ नहीं किया जा सकता भाई, तो वो अपना स्पार्क थोड़ा सा बना के रखना है आपको अपने अंदर। ठीक है, एंटी फेरो। हाँ जी, नहीं अगर आप मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में क्रिएट करते हो तो फोर्सेस तो वैसे ही लगेंगे ना, तो फिर उसके हिसाब से वो जो अपोजिट वाले वही मूव करेंगे। फिर आता है बेटा फेरी मैग्नेटिज्म या फेरी मैग्नेटिक। तो इसके केस में क्या होता है? अनइक्वल नंबर में ये अप डाउन होते हैं। तो अनइक्वल नंबर में अप डाउन रहेंगे तो थोड़ा तो मैग्नेटिक कैरेक्टर इनका रिटेन रहेगा, बट वीकली मैग्नेटिक होंगे। तो इनको भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में हीटिंग क्रिएट करें या मैकेनिकल स्ट्रेस देने की कोशिश करें ना, तो चांसेस बनता है कि ये भी धीरे धीरे अलाइन हो जाए। किस बात की स्टेबिलिटी भाई? सभी स्टेबल हैं, इंडिविजुअल लेवल पे तो सभी स्टेबल हैं, प्रॉब्लम क्या है इसमें? नहीं ये मत बोलो, ये बोलो कि क्रिस्टल तो सभी स्टेबल हैं यार। आप ये बोलो कि सर किसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इस बिहाफ पे इनके क्लासिफिकेशन है। तो ये वीकली मैग्नेटिक है, ये बिल्कुल डायमैग्नेटिक जैसा बिहेव करता है, और ऊपर वाला हाँ स्ट्रांगली मैग्नेटिक कैरेक्टर रखता है। इसके एग्जांपल कोई बताएगा? एंटी फेरो के, एंटी फेरो के MnO है या MnO2 है, चेक करो। मैंगनीज ऑक्साइड, और बताओ एक ही है। चलो इसका फेरी का Fe3O4 और Mg चलेगा चलेगा।
मतलब एम का मतलब कोई मेटल्स है, प्लस टू वाले हैं। चलो आओ, ठीक हो गया बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आप लिखो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ये लास्ट वाला पार्ट, ये जितने पार्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इट इज ओनली इंपॉर्टेंट इन जेई मेन एग्जामिनेशन। जेई एडवांस के सिलेबस में ही नहीं है सब। तो उनका अपना एथिक्स ये है कि भाई देखो, दिमाग वाली चीजें ही हम पूछते हैं, रटने वाली चीज ज्यादा नहीं पूछते हैं। तो तुम उतने में दिमाग लगा सकते हो तो ठीक है। ये सब तो पूरे याद करने वाली चीजें ना, इन्फॉर्मेशन रिच। क्या दो ना इसको, जल्दी खत्म करो यार। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला मैं बात करूंगा पीजो इलेक्ट्रिक, स्पेलिंग बताओ भाई। पीजो इलेक्ट्रिक, मटेरियल्स। हाँ जी बताइए, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल किसे बोलते हैं? कि जब कभी भी सब ऐसे बहती गंगा में हाथ धोने वाली कहानी सुनी है तुम लोगों ने? एक बोल रहा है, पीछे वाला बस चिल्ला रहा है। हाँ जी बताओ। तो बेसिकली यही है कि अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो, मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हो, तो अगर उस मटेरियल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट हो सके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होने के लिए आयंस का डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। तो लिखो, सच मटेरियल्स वेयर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस, such materials where electricity can be produced by displacement of ions by mechanical stress or by mechanical stress or application of pressure. अरे वो हो ही नहीं सकता मेरे से, तुम्हें मालूम है, स्टेटमेंट बदल जाएगा मुझे। such material where electricity can be produced by displacement of ions such materials where electricity can be produced by displacement of ions by mechanical stress or application of pressure. इसका कोई एग्जांपल देगा? पीजो इलेक्ट्रिक, कोई ऐसे मटेरियल का नाम बताओ, बोलो। PbZrO2, PbZrO3, कौन सा है दूसरा? हाँ जी, SiO2 का भी तीन तीन फॉर्म है, क्वार्ट्ज के बारे में है ये, क्वार्ट्ज। अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अरे एग्जाम्पल्स पूछता है, ठीक है, जेई मेन के एग्जाम में, एडवांस में बिल्कुल नहीं पूछता है, लेकिन पहले मेंस क्लियर करना होता है एडवांस जाने के लिए। चले आगे बढ़े, पीजो इलेक्ट्रिक के बाद भाई
तो यहाँ पे पीजो का सेंस किससे था? प्रेशर से, और यहाँ पाइरो का सेंस किससे? हीटिंग से। तो अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसमें हीटिंग से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है तो उसको पाइरो इलेक्ट्रिक बोलेंगे। डू वी हैव एनी एग्जांपल? तो बस टर्मिनोलॉजी ध्यान रखो, पाइरो इलेक्ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। हाँ, फेरो इलेक्ट्रिक, चलो फेरो इलेक्ट्रिसिटी या फेरो इलेक्ट्रिक। तो भाई बताइए फेरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, ध्यान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे। तो इसको राधिका तुम इसको एक्सप्लेन करोगे थोड़ा? सेम ही था ये, कौन सा एक्सप्लेनेशन है? चलो लिखो लिखो लिखो, ठीक है लिखो लिखो इसको लिखो। बिल्कुल वही बुक वाली लाइन ही ना, वही एज इट इज उतार दो। देखो, इन सम ऑफ दी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, राइट इट डाउन, इन सम ऑफ दी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स द डाइपोल्स आर परमानेंटली पोलराइज्ड, द डाइपोल्स आर परमानेंटली पोलराइज्ड इवन इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी बिल्कुल, इन सम ऑफ, नहीं लिख लो भाई, ऑनलाइन भी बच्चे बच्चे, इन सम ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स द डाइपोल्स आर परमानेंट, जल्दी लिखो यार जल्दी करो, द डाइपोल्स आर परमानेंटली पोलराइज्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? However, on applying electric field, the direction of polarization changes. However, on applying electric field, the direction of polarization changes. So this phenomena is called ferroelectricity. This phenomena is called ferroelectricity. So ferroelectric material kaun kaun se hai? Barium titanate. BaTiO3, और एक और है रोचले सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एक सॉल्ट का नाम है। टार्ट्रिक एसिड मालूम है किसी को? नो आइडिया, चलो ऑर्गेनिक में सीखोगे तुम लोग। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोचले सॉल्ट भी बोलते हैं, लिख लो इसका स्पेलिंग लिख लो। देखो ना, रोचले सॉल्ट, करेक्ट। तो ये देखो टार्ट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं बेटा, ध्यान से देखो, यहां CHOH, CHOH और नीचे COOH, ये टार्ट्रिक एसिड है। अब यहां पे एक जगह पे सोडियम, एक जगह पोटेशियम डाल दो, Na प्लस और यहाँ के प्लस, तो इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और यही रोचले सॉल्ट है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये भी ऐसा मटेरियल है। अब पोटेशियम डाइहाइड्रोजन, ये भी है एक एग्जांपल। Got it? Last लिख लो, एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी।
राइट, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनो, जैसे हमने डिस्कशन किया था मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में, यहां इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिकल डाइपोल, और इलेक्ट्रिकल डाइपोल इज क्वाइट इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट। वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से लेना देना होता है, यहां लेना देना होता है भाई, जैसे हमने एचएफ में डाइपोल पढ़ा था कि यहां पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये एक डाइपोल। फिजिक्स में आप डाइपोल पढ़ भी रहे होगे अभी ना, तो ये जो डाइपोल क्रिएट होते हैं अगर वो सॉलिड बना दे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड में चला जाए, तो पता चला मान लो एक ऐसे अलाइन हो जाए प्लस माइनस, और दूसरे वाले का ऐसे अलाइन हो जाए यहां माइनस प्लस, तो एक का डाइपोल ऐसे आ रहा है और एक का डाइपोल इधर आ रहा है, तो नेट डाइपोल ऑफ द सॉलिड विल बी जीरो। समझ गए ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने। तो प्यारे बच्चों यहीं पे मैं आपको सिखाना चाहूंगा, आप मेरे क्लास इलेवेंथ की बात भूल गए। मैंने आपको बताया था हम केमिस्ट्री के अंदर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन एज्यूम करते हैं, आया बात समझ में। और मैंने बोला था फिजिक्स में इसका ठीक उल्टा होता है, क्योंकि तब आपने पढ़ा नहीं था, अब आप पढ़ लिए हो तो थोड़ा आपको लग रहा है कि कुछ उल्टा सर बता रहे हैं। सर उल्टा नहीं बता रहे हैं, सर बिल्कुल सीधा बता रहे हैं जो केमिस्ट्री के हिसाब से है। डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है इसमें यार, हमें तो वेक्टर क्वांटिटी में, हमें तो मैग्नीट्यूड ओवरऑल कितना आ रहा है, रिजल्टेंट क्या आ रहा है, उससे फर्क है ना। डायरेक्शन तो बस यही बताता है ना, इस साइड से उस साइड है, उस साइड से इस साइड, समझ गया ना। तो इसलिए ये टेंशन में मत लो, हेड टेल इधर उधर कर देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्रोवाइडेड आप सबका वैसे ही समझो, करेक्ट। तो क्या लिखोगे इसमें, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या लिखोगे, इफ द इंडिविजुअल डाइपोल्स आर अलाइंड, इफ द इंडिविजुअल डाइपोल्स इन द सॉलिड्स आर अलाइंड इन सच अ वे दैट नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो, इफ द इंडिविजुअल डाइपोल्स आर अलाइंड इन सच अ वे दैट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सॉलिड इज जीरो, देन सच मटीरियल्स आर सेड टू बी एंटी फेरो इलेक्ट्रिक। समझ आया बच्चा, तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक है या फेरो इलेक्ट्रिक है, ये सब में खास बात क्या है, ये इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होने चाहिए वो पोलर होने चाहिए, नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं है। समझ रहे हो ना, CO2 का सॉलिड कभी भी इनमें से कोई प्रॉपर्टी नहीं एग्जिबिट करेगा, क्यों, क्योंकि CO2 इज अ नॉन पोलर सब्सटेंस, अगर उसको आप सॉलिड बनाओगे तो इनमें से कुछ भी नहीं रहेगा। समझ आ गया, गॉट इट। सो वी आर डन विद दिस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, अंडरस्टूड ना। इसके अलावा एक और चीज है जो थोड़ा देखना है, एंड फिर लास्ट में हमें पढ़ना है किसके बारे में, हाँ जी, ब्रैग्स इक्वेशन एंड सिमेट्री के बारे में। एक और प्रॉपर्टी क्या है, देखो सॉलिड्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स, बोलो, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या ये खुद से जाके पढ़ लोगे, इसमें कुछ खास है नहीं, कंडक्टिविटी के बिहाफ पे इनको क्लासिफाई करते हैं, बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का कुछ कहानी इसमें सुनाते हैं, तो ये सारा चीज कर लोगे अपने से तो कर लेना। चलो भाई, तो अभी मैं बात करता हूं किसका, ब्रैग्स इक्वेशन, हेडिंग डालो, हाँ जी बच्चों ध्यान से सुनो, ये देखो, ये मैं सेंटर्स लोकेट कर रहा हूं एक सॉलिड आयनिक क्रिस्टल हो जाए, या फिर वो अगर आइडेंटिकल एटम का क्रिस्टल है जैसे आयरन का क्रिस्टल हो जाए, तो ये मैं उनके सेंटर्स को लोकेट कर रहा हूं, राइट। अब ये अरेंजमेंट थोड़ा अलग हो सकता है, मैं सिर्फ सेंटर्स को लोकेट कर रहा हूं।
तो अभी हमारा मेन इंटरेस्ट किस चीज से है कि भाई हमें ये डिस्टेंस मालूम चल जाए कि इनके प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना है। याद है मैंने आपको बताया था कि हमारे पास थ्योरेटिकल कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे कि हम दो एटम के बीच का डिस्टेंस निकाल सके। इसलिए प्रैक्टिकली मैंने बोला था कि एक्सरे भेजते हैं और एक्सरे डिफ्रैक्शन कराते हैं, तो ये वही कहानी मैं आपको बता रहा हूं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन भी गैसियस मॉलिक्यूल में नहीं कराते हैं, कहां कराते हैं? सॉलिड्स के केस में, उसका सॉलिड बना करके तब कराते हैं। तो जब भी आप एक्सरे भेज रहे हो ना, इसको मैं डॉटेड लाइन से कनेक्ट करूंगा, ठीक है? तो बेटा एक्सरे अगर इस साइड से आ रही है तो आपको मालूम है कि भाई वो बिल्कुल नॉर्मल रेडिएशन के ही जैसा है, जैसे अदर विजिबल लाइट है वैसे ये भी है। फर्क बस इसका है कि वेवलेंथ इसका, तो ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो अगर ये थीटा है तो आपको मालूम है कि इस साइड भी वो थीटा से ही निकल जाएगा। समझ में आया? ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ही इंटरफेयर होकर के वैसे होते हैं। और ऐसी दूसरी लाइट जो आएगी बेटा वो यहां से ऐसे जाएगी, और ये जो दोनों लाइट्स आएंगी आपस में ना, ये इतने माइनर बिट्स से जा रहे हैं कि आपस में डिफ्रैक्ट कर जाएंगे। आपने पढ़ा है बेंडिंग ऑफ द लाइट? पढ़ा होगा यार, या साउंड में आपने पढ़ा होगा कि भाई साउंड में डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस फिनोमेना होते हैं, करेक्ट? तो ये एटॉमिक डायमेंशंस है, इनके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम है, और जो हम भेज रहे हैं ये भी हमारा एक्सरे है, वो भी एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर का है। तो यहां से डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। अब ये जो स्क्रीन है ना, जहां पे ये लाइट जाकर के एक दूसरे से मिंगल होते हैं, उस स्क्रीन पे बहुत ही अमेजिंग पिक्चर कुछ इस तरह से सर्कुलर डार्क लाइट ऐसे करके प्रिंट, मतलब आप ये बोल लो कि इस तरह से रिंग्स बनते हैं। अब मैं इसकी पूरे स्टोरी पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें पूरी फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी। अभी बस मैं अपना बताता हूं कि मुझे क्या काम करना है इसमें। तो आपने पढ़ा होगा एक लाइन कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए जो पाथ डिफरेंस है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? एन टाइम्स ऑफ लेमडा होना चाहिए, इज इट? अरे बाबा बोलो यार, है ना, यही पढ़ा है ना। तो अब बताओ बच्चों, ये जो लाइट आई पार्ट वन, यहां से आके यहां चली गई, तो इसका लेंथ कुछ यहां से यहां तक कवर हुआ। कितने लोग कह रहे हैं जो सेकेंड वाली आई है ना सर, वो इतना एक्स्ट्रा चली है। इसको मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं बेटा ना, इतना वो एक्स्ट्रा चल गई, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ पैरेलल इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, यही एक्स्ट्रा चला है। तो अगर इस वाले को और इस वाले को कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करना है, कोई पैटर्न देना है डिफ्रैक्शन का, हमारे यहां पे लाइट का अगर एक पैटर्न देना है, तो ऐसे केस में जो ये लेंथ होना चाहिए, ये वाले लेंथ, ये इक्वल होना चाहिए किसके? एन लैम्डा के। और यही लेंथ को हम निकालेंगे। तो हमने ये अज्यूम कर लिया है कि दो लेयर्स के बीच में, क्रिस्टल के दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस डी है। तो क्या अगर ये d है, ध्यान से देखो, ये पूरा d है ऊपर से लेके नीचे तक, ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये तो इस पे परपेंडिकुलर है ना, चेक करो यार तुम लोग, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये फिर से क्या आ जाएगा? अगर ये थीटा है तो ऊपर गया तो d cos थीटा, नीचे आया तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आएगी बेटा? d sin थीटा। आप समझ रहे होगे, मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इधर d sin थीटा और इधर d sin थीटा, तो मिलके क्या हो गया? 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहीं पे बेटा, जहां पे n क्या होता है? इंटीजर। इंटीग्रल वैल्यूज आप यहां पे डालते जाओगे, वेवलेंथ अगर आपको मालूम रहा तो वो एंगल निकलता जाएगा, किस किस एंगल पे वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करेगा। आ रहा है बात समझ में? भाई आप ये एंगल वेरी करोगे ना, चेंज करते जाओगे, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न उस हिसाब से आपको मिलता चला जाएगा। क्लियर है? या फिर अगर आप ये सेम करके रखते हो, क्या बोलते हैं, एंगल सेम करके रखते हो, तो उस हिसाब से आपको डिफरेंट एन की वैल्यूज के लिए डिफरेंट
तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन ऐसे करके आता है, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, यही ब्रैग्स इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका बस इतना सा यूज है बच्चों, ये डायग्राम आपको क्लियर रहना चाहिए, इसका मतलब क्लियर रहना चाहिए, एंड दैट्स ऑल अबाउट द ब्रैग्स इक्वेशन। और कुछ नहीं आने वाला इसमें और भी नहीं, ये अभी तो मैंने आइडेंटिकल स्पेस क्रिएट करके रखा है, ये कोई भी क्रिस्टल हो क्या फर्क पड़ता है हमें, भाई एक्स्ट्रा लेंथ हमें मालूम चल जाए तो उसको मैं बस सिंपली इक्वेट कर दूंगा डिफ्रैक्शन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए, राइट। तो नोट कर लो आप जल्दी कर लो, बस ये डायग्राम बनाओ और ये नोट कर लो। बस एक लास्ट टॉपिक रह गया है सॉलिड में, वो कौन सा, सिमेट्री, अभी मैं समझा देता हूं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट लगेंगे, बस खत्म कर लो इसको। तो बच्चों यही वो तरीका है जिससे हम ना दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं डिफ्रैक्शन करा करा करके, समझ गया ना, जो प्रैक्टिकल तरीका होता है मैंने बताया था ना, बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं हम या बाकी सब चीजें कैसे निकालते हैं, निकालते हैं। हाँ, जो वेवलेंथ हमने लिया है, ये वाली जो लाइट आ रही है, एक्सरे जो आ रहा है उसका वेवलेंथ लैम्डा है, एक इधर है एक इधर भी तो है। अरे बाबा, ये लेंथ भी तो डी साइन थीटा ही होगा, तो एक्स्ट्रा लेंथ तो यही चला है ना यहां से यहां तक, ठीक है, उस साइड जैसे डी साइन थीटा, इस साइड भी तो डी साइन थीटा आएगा, ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा, ये भी थीटा ही होगा, मिटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, थीटा प्लेन से एंगल है, ठीक है, नॉर्मल से एंगल नहीं है वो, थीटा प्लेन से एंगल है। फाइन एवरीवन, एडिंग डालिए आप, सिमेट्री, डबल एम होगा सिमेट्री में, सिमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट्स इन सॉलिड्स, मिटा दो इसको। तो देखो ये तीन इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट्स है, तीनों के नाम लिख लो। सबसे पहला पॉइंट ऑफ सिमेट्री, या पॉइंट ऑफ सिमेट्री इससे ज्यादा पॉपुलर वर्ड है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में COS भी बोलते हैं, करेक्ट। तो किसी भी ज्योमेट्री में COS है या नहीं एग्जाम में बस पूछता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है, फिर हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स पकड़ेंगे, फिर आप आइडेंटिफाई करना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं कि किसी भी ज्योमेट्री में तभी आ सकता है जब आप उसके सेंटर से वन साइड जाओ और उसके सेंटर से अदर साइड जाओ, दोनों तरफ जाने से आपको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट या आइडेंटिकल ज्योमेट्रीज आपको दिखनी चाहिए, और ऐसा पूरे क्रिस्टल में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ले ले रहा हूं एक स्क्वायर बेटा, राइट, और ऊपर ले ले रहा हूं यहां CH3, नीचे H ले ले रहा हूं, इधर ले ले रहा हूं H और इधर CH3, और इधर HH है, यहां ले लो CH3 और इधर भी उल्टा कर लेता हूं CH3 है ना। अच्छा, एक काम करते हैं,
आपको और थोड़ा कंफ्यूजन हो इसके लिए मैं यहां क्लोरीन ले लेता हूं, करेक्ट। तो अगर ध्यान से देखो तो ये सेंटर है इसका। अब ये सेंटर से मैं एक साइड गया तो क्या मिला मुझे, CH3। अब इसी लाइन के अलोंग में पीछे जाऊंगा तो क्या मुझे सेम ही ग्रुप मिल गया। ऐसा एक डायरेक्शन में तो हुआ, क्या सारे डायरेक्शन में हो रहा है तो चेक करते हैं एक बारी। इधर मैं गया तो क्या मिला बेटा मुझे, H। और ऐसे ही पीछे चला गया तो क्या मिल गया, H। इक्विडिस्टेंस, आइडेंटिकल इक्विडिस्टेंस पे आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर मिल रहे हो तो बोलेंगे हर तरफ जाने से, ऊपर गया तो H मिला, नीचे गया तो H मिला। इधर क्लोरीन नीचे की तरफ गया, समझ रहे हो ना, ये प्लेन के अंदर है, नीचे गया तो क्लोरीन, यहां ऊपर गया तो क्लोरीन। तो क्या हमें टू एंड फ्रो जाने से, क्या हमें टू एंड फ्रो जाने से सेमी ग्रुप मिल रहे हैं क्या? तो हम बोलेंगे यस, दिस मॉलिक्यूल पोजेस COS। समझ गए? अब एग्जांपल लेके चलते हैं कहां पे COS नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं CH4 बनाता हूं बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। क्या मुझे आप बता सकते हो कि CH4 के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? चेक करके देखो। तो सर मैंने यही सेंटर पकड़ा और ऊपर गया तो H मिला, नीचे गया तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है बाबा। एक मुझे पेन मिलेगा क्या? ये बताओ, ध्यान से देखो, ये कुछ वैसा ज्योमेट्री है राइट। आप यहां से ऊपर की तरफ गए तो आपको ये पेन मिल रहा है, नीचे आ रहे हो तो कुछ नहीं है ना बेटा, तो कहीं भी डिस्टर्ब हो गया, बाकी जगह जाने का जरूरत नहीं है, एक भी जगह डिस्टर्ब हो गया ना तो दैट मॉलिक्यूल विल नॉट पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ आया? अच्छा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या समझाया आपको, इफ यू आर गोइंग दिस साइड यू आर गेटिंग CH3, दिस साइड यू आर गेटिंग CH3, दिस साइड यू आर गोइंग बट यू आर नॉट गेटिंग CH3, बट हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो है ना, तो ये मतलब ऐसा नहीं कि हर तरफ सेम ही ग्रुप रहने चाहिए, जरूरी नहीं है, बस टू एंड फ्रो में सेम ग्रुप मिलने चाहिए। एक तरफ गए तो आपको अगर H मिला तो पीछे की तरफ आने से भी अगर आपको H मिलता है और हर डायरेक्शन में ये सिमेट्री मेंटेन रहती है, वो H ना होकर के कोई और ग्रुप मिल रहा हो, तो ऐसे केस को ही हम बोलते हैं कि दिस मॉलिक्यूल हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। अंडरस्टूड? तो आप इसको अपने पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर लो। वैसे एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है, ये आप लिख लो और ये लिख लो, इस पे सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, समझ गए? चलिए भाई दूसरी सिमेट्री की मैं बात करता हूं। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ बेटा क्या क्यूब के अंदर जो क्यूबिकल ज्योमेट्रीज होती है, यानी सिंपल क्यूबिक लैटिस, क्या वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी? क्या वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी बेटा? ऑफ कोर्स। अरे यस ऑर नो? कैसे मालूम होगी, कैसे मालूम होगी बताइए? क्योंकि सर आप इसके बॉडी के सेंटर पे जाओगे तो आप इस साइड गए तो कॉर्नर मिला, इधर भी गए तो कॉर्नर, इधर गए तो फेस सेंटर मिला, नीचे भी गए तो फेस सेंटर मिल गया, इधर फेस सेंटर, मतलब भाई आप टू एंड फ्रो किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो क्यूब के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। आ रहा है बात समझ में? सेंटर ऑफ सिमेट्री इज देयर इन द क्यूब, बट क्यूबिक के अलावा क्या सारे क्रिस्टल में ऐसा मिलेगा? जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप ट्राई क्लिनिक वाले में चले जाओ, आपको मिलेगा ही नहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अरे ट्राई क्लिनिक ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, वहां लेंस ही अलग अलग है, पता चला सेंटर से एक तरफ जा रहे हैं, कुछ और कहानी हो रही है दूसरी तरफ, समझ आ रहा है ना? एंगल भी सिमेट्रिक नहीं, तो जरूरी नहीं है कि सब जगह आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिले ही, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, ठीक है? क्या बताओ ट्रायंगल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी? अरे कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग, ऊपर जाओ तो मिल रहा है, नीचे गए तो कुछ मिला, आइडेंटिकल चीज तो नहीं मिला ना, तो इसके पास नहीं है। देखने में ट्रायंगल सिमेट्रिक है बट सेंटर ऑफ सिमेट्री उसके पास नहीं है, समझ गए? चलो बच्चों ठीक है, वी आर डन। नाउ सेकंड क्या लिखो आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS। तो ये बड़ा ही आसान है राइट। सेंटर ऑफ सिमेट्री में हमने जैसा बोला कि सेंटर ले लो,
और वहां से आप टू एंड फ्रो जाकर के चेक करो। प्लेन ऑफ सिमेट्री में बेटा किसी भी प्लेन के अबाउट आप उस मॉलिक्यूल के अंदर से कोई प्लेन पास करो, इमेजिनरी प्लेन, अगर वो मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर देता है कि एक तरफ वाला दूसरे तरफ का मिरर इमेज बन जाए, तो बोलते हैं कि भाई उस प्लेन के अबाउट वो ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है। फिर से समझाता हूं, इफ अ प्लेन इज पास थ्रू द ज्योमेट्री या ज्योमेट्रिकल क्रिस्टल या वॉट एवर यू आर सेइंग एनी ऑब्जेक्ट, इफ दैट ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ सच दैट वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ, देन वी से दैट दिस मॉलिक्यूल और दिस ज्योमेट्री हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो पीओएस होने के लिए इक्वल हाफ में कट भी होना है और साथ के साथ एक दूसरे का मिरर इमेज भी होना है, तभी बोलेंगे। क्या एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई, कौन सी बड़ी बात है। अरे दूसरा प्लेन मैंने पास किया उसके अबाउट भी ऐसा हो जाए, तीसरा प्लेन पास किया उसके अबाउट भी हो जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब आ जाओ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे बेटा मैं सी एच फोर ही ले लूं, राइट, अब आपको दिखाता हूं, वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं था। लो भाई, अब कितने लोग कह रहे हैं सी एच फोर में, ध्यान देना ये चारों आइडेंटिकल है। अब ये मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसा दिखा रहा हूं आपको, है ना। अभी कितने लोग बोल रहे हैं कि सर अगर आपने एक ऐसा प्लेन लिया जिसमें ये टॉप और ये बॉटम वाला ये दोनों मॉलिक्यूल्स को लेते हुए एक प्लेन पास करो, तो ये मॉलिक्यूल्स तो वैसे ही उस प्लेन में आधा आधा कट जाएंगे, तो जो उस प्लेन में आया इसलिए उसको कभी देखते भी नहीं है क्योंकि वो खुद ही आधा आधा कट जाएंगे। जो बचे हुए हैं, क्या ये इस साइड वाला इस साइड वाले का मिरर इमेज होगा बेटा? बिल्कुल होगा, ये आइडेंटिकल चीज थी, मिरर इमेज होगा। इसका मतलब ये प्लेन के अबाउट, ये जो प्लेन मैंने पास किया इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है। क्या ऐसे ही कितने लोगों को दिख रहा है सर इसके अबाउट भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ऐसे पास करूंगा तो ये इसको ढक लेगा। अरे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना के देखो, ये प्लेन को लेकर के मैं चलाता हूं तो भी ये एक दूसरे को मिरर इमेज है। अगर मैं ऐसे कर लूं इसको और बोलूं कि मैं अगर इसको और इसको मिला करके एक प्लेन बनाना चाहता हूं, तो कितने लोग कह रहे ऐसे प्लेन करके आएगा और ये इसको ओवरलैप कर लेगा। तो बेटा इसी सिंगल मॉलिक्यूल में देर आर मल्टीपल प्लेन ऑफ सिमेट्रीज, समझ आया। अगर मैं पूछ लूं पता है टोटल नंबर कितने हैं, तो कोई भी दो को लेके चलोगे ना तो एक प्लेन बन जाएगा। और कितने हैं टोटल? फोर है, फोर सी टू, समझ गए, सिक्स प्लेन्स आएंगे। अरे यार थोड़ा तो पीएनसी लगाओ यार, ये तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और नहीं तो ऐसे ऐसे देख लो भाई, वन ये टू ये इधर से थ्री, फिर इन दोनों को ले लो तो फोर, इन दोनों को ले लो फाइव, और फिर कौन बच गया, जो बच गया उन दोनों को ही घंटे ले लो, सिक्स सिक्स आएगा टोटल। समझ आ गया बात, गॉट इट। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको क्लियर हो गया भाई। बताइए क्या क्या क्यूब के अंदर पीओएस होगा? क्या क्यूब के अंदर पीओएस होगा बेटा? बिल्कुल होंगे। कैसे? आइए सर प्लेन आपको दिखाते हैं। ये प्लेन के अबाउट अगर मैं कट किया तो इधर इधर वाले हाफ हाफ, यस और नो? सर अभी क्या खत्म हुआ, अभी तो कहानी शुरू हुआ है बस। कितने लोग कह रहे हैं इसके ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट इनको मिला के एक प्लेन बनाओ तो भी सिमेट्रिक हो गया। अच्छा सर आप ये डायगोनली अपोजिट वाले जो ये फेस डायगोनल अपोजिट वाले पॉइंट्स पकड़ करके ऐसे चॉप करो तो भी, अरे बोलो ना। तो भाई इसमें बहुत सारे प्लेन है, अब आप दिमाग लगाते रहना, बना लोगे। कितने पीओएस होंगे एक क्यूब में, कितने पीओएस होंगे ये आपके लिए क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एक ही है, पीओएस देखना। अरे बाबा दो तरह के प्लेन आ रहे हैं, एक आ रहा है मिडिल पॉइंट से जाने वाला एज सेंटर से, एक आ रहा है कॉर्नर कॉर्नर से जाने वाला, बोलो ना। तो ऐसे करके और ध्यान से देखो, ये जो प्लेन आएगा और ये जो प्लेन आएगा ये अलग अलग प्लेन्स है, ऐसे काउंट करके बताना है कितने हुए। हर फेस पे ऐसे ऐसे बना सकता हूं मैं, इधर इधर भी कर सकता हूं नीचे वाले साइड में, तो ऐसे टोटल काउंट करके बताना तुम लोग, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री खत्म हो गई, नेक्स्ट आता है बेटा लास्ट कौन सा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
तो देखो, जैसे हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री में तो हमने आपको पॉइंट्स समझाने की कोशिश की है, प्लेन समझाने की कोशिश की है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेसिकली बड़ा अलग तरीके का सिमेट्री है, जहां पे आपको पहले एक एक्सिस एज्यूम करना है और उसी एक्सिस के अबाउट ऐसा मान लेना है कि सॉलिड उसी एक्सिस के अबाउट वो एक्सेल बना लो। सर एक्सेल समझते हो ना, जिसके अबाउट चीजों को फिक्स करके और उसके अबाउट घुमाने की कोशिश करो। अरे बोलो ना, इधर लो बुक दो मुझे। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, देखना गिरे सॉरी राइट। जैसे अब ये मान लो ये एक ज्योमेट्री है मेरे पास। अब मैंने क्या किया कि एक एक्सिस ऐसे बीच से पास किया, तो अब पूरे मॉलिक्यूल को आप इसी एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाने की कोशिश करोगे। आ रहा है क्या बात समझ में? ऐसे आप घुमाने की कोशिश करोगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर मैंने बोल दिया एक्सिस यहां है तो आप इसके अबाउट घुमाओ। अरे बच्चों, आ रहा है बात समझ में? मैंने बोल दिया एक्सिस ऐसे पास कर रहा है तो अब आप इसके अबाउट घुमाने की कोशिश करो। तो जो भी एक्सिस जाए, आप मान लो कि यार वो एक्सिस के अबाउट ही वो घूम सकता है, उसके अलावा और फ्रीडम। एक्सिस ऐसे जा रहा है ऐसे मत करने लग जाना, इसके अबाउट ही घुमाना है उसको। मतलब समझ गया तुम लोग ना उसके पसंद, ठीक है? तो अब चेक करके देखते हैं, इस घुमाने में क्या चेक कर रहे हैं भाई। घुमाओ उसको और घुमाते घुमाते 360 तक लेके आओ, और अगर उस 360 रोटेशन में जितने बार आइडेंटिकल अरेंजमेंट आएगा उस एक्सिस को उतने फोल्ड एक्सिस नाम दिया जाता है। टू फोल्ड एक्सिस, थ्री फोल्ड एक्सिस, फोर फोल्ड एक्सिस। तो टू फोल्ड एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि भाई उस ज्योमेट्री को घुमाने में उस एक्सिस के अबाउट अगर टू टाइम्स आइडेंटिकल अरेंजमेंट हमें दिख रहा है तो उसको टू फोल्ड बोलेंगे, फोर टाइम्स दिख रहा है तो उसको फोर फोल्ड बोलेंगे। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं कि एक आप एक्सिस ऐसे लो जो कि बिल्कुल ऐसे पास कर रही है, तो कितने लोग कह रहे इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो ये घूमते घूमते पहले ऐसे होगा फिर ऐसे हो जाएगा। जैसे ही ऐसे हुआ तो पहले जैसा ही हो गया ना, तो 180 पे जाकर के आइडेंटिकल हो रहा है। पूरा 360 करोगे तो सिर्फ दो ही बार आया हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, टू फोल्ड एक्सिस। अच्छा वैसे ही कितने लोग बोल रहे हैं कि सर अगर ये एक्सिस भी लेके जाओगे तो ये भी टू फोल्ड ही होगा, बोलो ना। अरे ये सिंपल स्क्वायर समझो यार, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो क्या आपको नहीं दिख रहा है कि जब 180 लेके आएंगे तभी आइडेंटिकल होगा ये? ये सुनो, बोलिए बच्चों। अच्छा लेकिन कितने लोग कह रहे हैं कि सर अगर आप बिल्कुल परपेंडिकुलर यहां से ये एक्सिस जो बाहर निकल रही है, ये खुद जो मतलब इसके सेंटर और परपेंडिकुलर जा रही है, तो इसके अबाउट कितने लोग कह रहे हैं अगर इसके अबाउट घुमाओगे तो हर 90 डिग्री पे आइडेंटिकल अरेंजमेंट आ जाएगा। मतलब घूमते घूमते जब ये पॉइंट यहां पहुंच रहा होगा तो ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया होगा, ये इधर, तो हर 90 डिग्री पे। तो कितनी बारी आ गया? फोर टाइम। तो यहां से जो एक्सिस पास कर रही है ये वाली जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये फोर फोल्ड है ना? समझ आ रहा है बच्चों? ये फोर फोल्ड ऑफ एक्सिस। तो क्या क्यूब के अंदर भी हमें देखने को कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बच्चों। आओ देखो इधर ध्यान से, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि अगर ये वाली एक्सिस ले रहे हो सर जो इनके स्पेस सेंटर से पास करते हुए जा रही है, तो कितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल वही हो गया कि मैं स्क्वायर घुमा रहा हूं, तो ये फोर फोल्ड हो गया। अरे बोलो ना। फिर कितने लोग ये समझ पा रहे हो कि सर फोर फोल्ड के अलावा भी इसमें एक एक्सिस होगी, कौन सी? ये वाले और ये वाले पॉइंट को मिला करके चलू मैं, यानी डायगोनली अपोजिट एज सेंटर्स, उनको अगर मिला करके बनाओ तो अगर आप उसको फ्लिप करोगे तो 180 डिग्री पे ही वो दोबारा ऐसे अरेंजमेंट आएगा। तो हां जी, ये टू फोल्ड है, ये कितना था? फोर फोल्ड था। और कहीं से एक्सिस पास कर सकते हैं? एज सेंटर टू एज सेंटर। हां जी एक और है जो बॉडी डायगोनल से मैं पास कर सकता हूं, इजंट इट बॉडी डायगोनल। तो बच्चों जब बॉडी डायगोनल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना।
जब आप बॉडी डायगोनल से पास करते हो ना, बॉडी डायगोनल, तो आप करके देखना, ये थ्री फोल्ड होता है, थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। करके देखो, बॉडी डायगोनल के अलोंग करके देखो, ये कुछ वैसी वाली बात होगी कि एक बॉडी डायगोनल पे ये जो कॉर्नर है उस पे थ्री एजेस हैं। एक मुझे और पेन देना, दे दो। अब बॉडी डायगोनल बिल्कुल यहां से आ रहा होगा, तो जब आप इसको घुमाओगे पूरा, तो हर 120 डिग्री घुमाने के बाद ये आइडेंटिकल हो जाएगा। तीन बॉन्ड है ना बाबा, तीन है तो तीन बार ही आएगा ना, ऐसे सोच लो। ये थ्री फोल्ड होगा, तो बॉडी डायगोनल थ्री फोल्ड होगा, एज सेंटर टू एज सेंटर वाला आएगा टू फोल्ड, और जो फेस सेंटर टू फेस सेंटर है वो कितना फोल्ड होगा, फोर फोल्ड, फेस सेंटर टू फेस सेंटर ये वाला, ये फोर फोल्ड। समझ पड़ गया, सारे सिमेट्रीज आपको क्लियर हो गए। तो इसी के साथ बच्चों सॉलिड स्टेट समाप्त हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। अब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, डिस्कशन तो जारी रहेगा हम लोग का, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द क्लास गाइस, नाउ यू मे लीव।